हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में और फिर किलोमीटर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। और हमें क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 1/100 मीटर, ठीक है। अपोजिट करेंगे क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं यहां पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/100 मीटर। अब क्योंकि हमें डेसिमल में बनाना है, ये डेसिमल का क्वेश्चन है, तो नीचे 2 डिजिट दिए, नीचे सॉरी 2 जीरो है, तो डेसिमल कितनी डिजिट के बाद आएगा, यहां 2 डिजिट के बाद, तो क्या हो जाएगा, ये लिखा अब कितने के बाद, 5 और 0 के बाद यहां पर डेसिमल आ जाएगा। भाई यहां 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 मीटर। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछिए, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है हमें। तो अब 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि अगर मीटर की जगह यहां सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, 100, तो 1000 की जगह 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया आपको, देखिए मैं फिर से बताती हूं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। ये चीज आपको क्लियर हो गई, 1 किलोमीटर 100 इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। ये क्लियर है आपको, ये स्टेटमेंट भी क्लियर है और ये वाला भी क्लियर है, ठीक है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1000 मीटर क्या होगा, यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है, यहां भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1000 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। भाई जब 1000 मीटर और 1 किलोमीटर इक्वल है, तो यहां पे 1000 मीटर की जगह हम 1 किलोमीटर लिख सकते हैं ना, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने जीरो हो गए, 3 और 2, ये 5 जीरो हो गए, 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। हमने ये क्यों निकाला है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो हमने पहले क्या किया, मीटर और सेंटीमीटर का हमें रिलेशन पता था और किलोमीटर और मीटर का पता था, तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब ये हमें पता चल गया यहाँ पे, तो अब हम ये देखेंगे 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या है, 1 लाख, 50 है ना, भाई 1 लाख सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख किलोमीटर। अब यहां क्वेश्चन में क्या है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/1 लाख किलोमीटर। यहां पे जीरोस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक भी कम ज्यादा मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां पे कितने जीरो है नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 50, दैट मीन्स डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद आएगा, 5 डिजिट के बाद। अब ऊपर तो हमारी एक ही डिजिट है,
हम क्या करेंगे, फाइव से पहले फाइव डिजिट लगानी है, तो 1 2 3 4 5 0 और लगा दी हमने पहले। अब फाइव डिजिट के बाद जीरो लगाना है, तो 1 2 3 4 5 और यहां पर जीरो आ गया, तो 0.4 टाइम्स जीरो और 5 किलोमीटर होंगे, इक्वल होंगे किसके, 5 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब यहां मिलीमीटर को मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। पहले हम देख लेते हैं रिलेशन क्या है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, 10 मिलीमीटर, तो क्या होगा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब ये तो हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये हमारा आ गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 35 मिलीमीटर क्या होगा, सीधा सीधा 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 / 10, दैट इज, अब नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो ये है 35, एक डिजिट के बाद यहां पे डेसिमल आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब पूछा है मीटर में, तो अब हमें मिलीमीटर से मीटर के में क्या रिलेशन है वो पता करना है। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर, ये ऊपर देखा है ना आपने, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं यहां पे और 1 में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में क्या होगा, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 100, दैट इज 1000 मिलीमीटर। 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है। सो हम ये भी लिख सकते हैं ना, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। आ गया हमारा मिलीमीटर और सॉरी मीटर और मिलीमीटर के बीच में डिफरेंस रिलेशन। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमने ये भी पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर होंगे, 1000 मिलीमीटर होंगे। अब 100 सेंटीमीटर का हमें पता चल गया कितने मिलीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, 1000 मिलीमीटर। लेकिन हमें निकालना क्या है, मिलीमीटर से मीटर, तो हम यहां पे देखेंगे 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, देखिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/1000 मीटर। तो अब देखते हैं यहां पे 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर, सो 35 मिलीमीटर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/1000। अब 1000 में क्या है, नीचे 3 डिजिट दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद जीरो लगेगा, और यहां पे टोटल कितनी है, 2 डिजिट, तो हमने 2 जीरो और लगा लिए। अब कितनी डिजिट के बाद जीरो है, 3, तो 1 2 3, तो आंसर हो गया 0.035 मीटर। 35 मिलीमीटर इक्वल टू 0.035 मीटर। अब नेक्स्ट है किलोमीटर में। अब किलोमीटर और मीटर का हमें रिलेशन पता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। किलोमीटर और मीटर का सबको पता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब यहां 1000 मीटर लिखा है, तो 1000 मीटर में, अब यहां पे ये देखिए, ये आपने एक स्टेटमेंट निकाला था 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है,
तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है, तो 1000 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। देखिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 2 मीटर में 2000 मिलीमीटर जितना होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसी तरह से 1000 मीटर में ये वाला 1000 प्लस ये मल्टीप्लाई ये वाला 1000, तो आंसर हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो दैट इज कितने जीरो आ गए, 6 जीरो, 3 इसके और 3 इसके, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 10 लाख मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया, 1 किलोमीटर के, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू किसके होता है, 1 किलोमीटर के, तो इसकी जगह हम 1 किलोमीटर लिख सकते हैं ना, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। अब 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 1/10 लाख किलोमीटर, इसका रिवर्स हो जाएगा ना ये वाला यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमें पूछा है 35 मिलीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, तो 35 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, अब नीचे यहां कितने जीरो है, 3 4 5 6 जीरो है, ऊपर 2 ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे यहां पे इसको कितनी डिजिट बनानी है, 7 डिजिट, क्योंकि 1 डेसिमल के बाद भी लिखेंगे हम, और चाहिए 7 और है 2 ही, तो हम क्या करेंगे 5 जीरो लगा देंगे पहले और 3 5। अब डेसिमल कहां पर आएगा, कितनी डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो आंसर में कहां लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहां पे डेसिमल लगाएंगे, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 0.000035 किलोमीटर, 35 mm इक्वल टू 0.000035 किलोमीटर होगा। इस क्वेश्चन में बस आप जीरोस का बहुत ध्यान से काम करिएगा, क्योंकि एक भी जीरो कम ज्यादा हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।